guys, welcome to our YouTube channel Civil Easy. Last class we have discussed about aggregate. Today we will discuss about stone, है ना? तो हमारा आज का टॉपिक है स्टोन. स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल स्टोन से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो स्टोन होता क्या है हमारा? स्टोन अपन ने देखा हुआ है बिल्डिंग मटेरियल में. बिल्डिंग बहुत पहले जब हमारे ब्रिक्स नहीं थी तब भी हमारे यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती थी, और बिल्डिंग बनती थी वो किससे बनाई जाती थी? स्टोन से बनाई जाती थी, है ना? तो स्टोन जो है सबसे पुराना बोल सकते हैं कि एंशिएंट बिल्डिंग मटेरियल, बहुत पुराना बिल्डिंग एक ऐसा मटेरियल जो कि बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है ना, बहुत प्राचीन काल से ही यूज किया जा रहा है ना. और जो हमारी स्टोन है, स्टोन हमको मिलती किससे है? तो स्टोन हमारी मिलती है रॉक से, चट्टानों से मिलती है ना. जब हमारी रॉक से जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है तो हमको क्या मिलती है? स्टोन मिलती है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रॉक का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि हमको रॉक कैसे मिलती है. तो सबसे पहले जो रॉक का क्लासिफिकेशन है वो क्या है? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस पर देख लेते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन होता है. जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से यदि देखें तो हमारे जो रॉक्स है वो बनती किस तरीके से है, किस तरीके से उनका निर्माण होता है ना. और फिजिकल क्लासिफिकेशन में यदि देखें तो हमारी जो किस फॉर्म में दिखती कैसी है, किस तरीके से इसमें कट लगता है, वो चीजें हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में. केमिकल क्लासिफिकेशन में यदि हम देखें तो केमिकल क्लासिफिकेशन उसमें किस किस प्रकार के केमिकल उसमें मौजूद है, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे हमारे रॉक्स का, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जियोलॉजिकल ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, किस तरीके से हमारी रॉक्स जो है बनी. तो सर जो जियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस रॉक हमारी बनती कैसे है? इग्नियस रॉक की हम बात करें तो इग्नियस रॉक किसके कारण हमको पता है? जो हमारी अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में होता है. कौन कौन से? कोर, क्रस्ट और मेंटल, है ना. जो हमारी जो हमारा कोर है, कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो जो भी वहां पर जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाता है? हाई टेम्परेचर की वजह से वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? आपका मैग्मा बन जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से. और जब उस पर क्रैक्स, जब हमारी अर्थ सरफेस में क्रैक्स होते हैं तो उस क्रैक्स के थ्रू क्या होता है? वो मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है. मैग्मा जब बाहर आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, ठीक है? तो इग्नियस रॉक का निर्माण जो है किस तरीके से होता है? तो ड्यू टू मैग्मा या लावा, इसके कारण हमारा क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनती है ना. और जब ये इग्नियस रॉक में जब ये मैग्मा हमारा जब नीचे रहता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. जब वो ऊपर आता है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगता है? उसका टेम्परेचर जब कम हो जाता है, वो धीरे धीरे स्लो कूलिंग के कारण क्या होती है? वो हार्ड होती जाती है, और उससे जो रॉक्स बनती है वो आपकी क्या कहलाती है? इग्नियस रॉक कहलाती है ना. फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा के कूल होने के कारण ही हमारी क्या बनती है? इग्नियस रॉक बनती है. और जो हमारी ये रॉक बनेंगी जब हमारा मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. तो जो मैग्मा वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और उससे क्या बन जाएगी? चट्टानों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है? रॉक्स बन जाएगा, और जो रॉक बनेगी इग्नियस रॉक रहेगी. और ये जो रॉक होती है जब ये कूल होने के बाद कैसी होती है? स्ट्रांग नेचर की होती है, क्रिस्टलाइन होती है, और उसके जो ग्रेन्स है वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना. अच्छा, जो हमारी इग्नियस जो हमारी रॉक है वो यदि बात करें तो मिनरल से ही बनी होती है ना, क्योंकि अर्थ सरफेस से जब नीचे से जब ये लेयर बाय लेयर ऊपर आएगा हमारा मैग्मा तो बहुत सारे उस पर मिनरल्स होंगे. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इग्नियस रॉक में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं. तो मिनरल्स हमको याद रखना, बेसिकली अभी तक एग्जाम में फेल्सपर पूछा गया है, क्वार्ट्ज पूछा गया है और मायका पूछा गया है. ये तीनों मिनरल होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इग्नियस रॉक में और भी मिनरल्स होते हैं, जैसे एगाइट हो गया, क्लोराइट हो गया, हॉर्नब्लेंडी हो गया, ऑलिवाइन हो गया, प्लाजियो क्लास हो गया और सरपेंटाइन हो गया. ये सारे के सारे इग्नियस रॉक में मौजूद मिनरल्स हैं, है ना. इन्हीं से हमारा क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनती है. यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूँ इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक के एग्जांपल में हमारा ग्रेनाइट हो गया, डोलेराइट हो गया और बेसाल्ट हो गया. अब ये जो हमारा मैग्मा है ये डेप्थ से मतलब कोर से ऊपर क्रैक से बाहर आता है, तो इसी के आधार पर हमने क्या किया है? इग्नियस रॉक को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एक होता है हमारा प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक को ही हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं. एक हमारा होता है हाइबरबिशल रॉक, और एक हमारा होता है वॉल्केनिक रॉक. इनको हम डेप्थ के हिसाब से देख लेते हैं, है ना. तो प्लूटोनिक रॉक इसी का नाम होता है हमारा इंट्रूसिव रॉक. तो क्या होती है प्लूटोनिक रॉक? तो जहां हमारा मैग्मा जो है मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सर्फेस, जहां हमारा जो मैग्मा है बहुत ज्यादा डेप्थ से ऊपर आता है अर्थ सर्फेस में और वो क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं?
प्लूटोनिक रॉक, उससे जो जब वो कूल होगा तो क्या हो जाएगा, जो हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा उसे को हम क्या बोल देंगे, प्लूटोनिक रॉक बोल देंगे। जो हमारा प्लूटोनिक रॉक होता है इसमें जो कूलिंग होती है, कूलिंग बहुत स्लो होती है क्योंकि हमारा जो कोर है, कोर से ऊपर मैग्मा जाता है अर्थ सरफेस तक, तो वो वहां पर तो वैसे ही हाई टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे वो ऊपर आता जाता है, हमारा मैग्मा ऊपर आता है डेप्थ में, डेप्थ से ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, क्या क्या होता है, बहुत स्लो कूल होता है ना, बहुत आराम से कूल होता है क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसकी जो कूलिंग होती है वो स्लो होती है। यहां तक की चीज क्लियर है? अच्छा, और फिर वो डेप उसी डेप्थ में क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है याद रखना, एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है प्लूटोनिक जो हमारी रॉक होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंट्रूसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल कौन सा होता है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारा किस तरीके का है, हमारा प्लूटोनिक रॉक है, पेगमेटाइट ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है, डायोराइट है, ग्रेनो डायोराइट है, और पेरियो डोटाइट हमारा क्या है, प्लूटोनिक रॉक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबेसल रॉक, हाइपरबेसल रॉक क्या होता है, अभी तो इस पर जो मैग्मा आया था काफी डेप्थ से आया था, यदि हमारा जो मैग्मा है सैलो डेप्थ से है ना, कम डेप्थ में आके जमा होता है, कम डेप्थ से आ रहा है ऊपर, जैसे यदि मैं इसको मिटा के बात करूं, है ना, इसको रफ कर देता हूं, मैं इस साइड को मैं रफ कर देता हूं, जैसे यदि मैं बात करता हूं कि इस तरीके से हमारी अर्थ की लेयर है ना, इस तरीके से, और यहां पे हमारा क्रैक हो गया है, और यहां से हमारा मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से हमारा मैग्मा जो है बाहर की तरफ आ रहा है, और जब ये बाहर आ जाएगा, अभी तो ये यहां पर जब तक अर्थ सरफेस में तो ये मैग्मा है, जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका लावा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इस डेप्थ में यदि आगे जम रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूटोनिक हो जाएगा। यदि वो आपका सैलो डेप्थ में है तो सैलो डेप्थ में आकर यदि आपका जम रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइपरबेसल हो जाएगा। और यदि अर्थ सरफेस में ही आपका आगे जम रहा है आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका वॉल्केनिक रॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइपरबेसल कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ सैलो डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अच्छा, इसके एग्जांपल पे यदि हम बात करें तो इसके एग्जांपल है डोलेराइट, और इस पे जो सेटिंग होती है, अभी सैलो डेप्थ में आपका मैग्मा पहुंच चुका, तो वहां पर जो ये इसकी जो रेट रहेगा इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, ये कूलिंग इस पे जो कूलिंग होगी, क्योंकि टेम्परेचर अब तो कम हो गया क्योंकि काफी ऊपर आ गया सैलो डेप्थ में, तो इसकी जो कूलिंग होगी वो कैसी होगी, क्विक होगी, किसकी तुलना में, प्लूटोनिक रॉक की तुलना में। इसका जो स्ट्रक्चर यहां पर कैसा स्ट्रक्चर था, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर था, क्योंकि इसकी कूलिंग कैसी हो रही थी, स्लो हो रही थी, स्लो, जब स्लो कूलिंग होती है तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कोर्स और कॉम्पैक्ट बनता है। जैसे अब सैलो डेप्थ में आपका मैग्मा आएगा तो सैलो डेप्थ में आने से क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन हो जाएगा, ठीक है। और जब बिल्कुल अर्थ सरफेस में हमारा मैग्मा पहुंच जाएगा तो वहां पर हम बात करेंगे, वहां पर जो कूलिंग होगी बहुत तेजी से होगी, तो कूलिंग कैसी होगी, रिपीट कूलिंग होगी। और यहां पर जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो हमारे रॉक है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन। यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में हमारा आता है बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट, रियोलाइट और प्यूमाइस, है ना, ट्रैप भी आपके इसी के एग्जांपल में आता है। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है हमारी, तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक, है ना। तो जो हमारी इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक से ही हमारी क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है ना। तो यदि मैं बात करता हूँ हमारी ये सेडिमेंट्री, तो ये हमारी जो इग्नियस रॉक हो गई, इग्नियस रॉक, अब इस पर वेदरिंग होगी, है ना, वेदरिंग एक्शन के कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ से वेदरिंग होने के बाद ये यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से यहाँ पर आके क्या होती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है ना, और डिपॉजिट होकर के हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है। तो जिससे जो ये नई प्रकार की हमारी ये रॉक बनी है क्या कहला जाएगी, हमारी सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। अब जो ये वेदरिंग एक्शन के थ्रू ये यहाँ पर आई है, वेदरिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो वेदरिंग एजेंट हमारे जैसे फ्रॉस्ट हो गया, रेन हो गया, है ना, विंड हो गई, फ्लोइंग वाटर हो गया, इन सारी चीजों के द्वारा क्या हो जाती है, इसकी वेदरिंग हो जाती है। और ये धीरे धीरे यहाँ पर रॉक्स आकर के हो जाते हैं, एक जगह पर आके जमा होते जाते हैं और कंसोलिडेट हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो सेडिमेंट्री, इनका जो डिपोजिशन है वो चार प्रकार से हो सकता है ना, या इसको बोल सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक को हम तीन प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, मैकेनिकल डिपोजिट, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन, उसी चीज को बोल दिया डिपोजिट के बेसिस पे।
यदि बात करते हैं रेसिडुअल डिपॉजिट, जहां पर आपकी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वहीं पे आपकी क्या हो जा रही है, जमा होती जा रही है आपकी धीरे धीरे, डिपॉजिट होती जा रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं रेसिडुअल डिपॉजिट। और या तो वेदरिंग एक्शन के थ्रू कहीं पे ये जो सेडिमेंट से टूट के डिसइंटीग्रेट होकर प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो हमारी इग्नियस रॉक है उसका जब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होगा, और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जब वेदरिंग एक्शन के थ्रू ये कुछ दूर जाकर आपकी क्या होती है धीरे धीरे जमा हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन डिपॉजिट, है ना। इन दोनों को हम साधन मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर भी बोल सकते हैं। इस पर से एग्जांपल जो क्वेश्चन आता है पूछ लेगा एग्जांपल कौन कौन से आपके रेसिडुअल के या सेडिमेंट डिपोजिशन के, तो इसके जो एग्जाम्पल है सिल्ट स्टोन, मड स्टोन, सेल ज्यादातर पूछा जाता है, सैंड स्टोन और ब्रिसिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे रेसिडुअल डिपोजिशन। इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि रेसिडुअल मतलब यहीं पे यदि हो रहा है और कुछ सेडिमेंट्स के थ्रू आगे जाकर यदि डिपोजिशन हो रहा है तो उसको हम सेडिमेंट डिपोजिशन बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारा केमिकल डिपोजिशन, तो केमिकल डिपोजिशन आपका ड्यू टू इवेपोरेशन या प्रेसिपिटेशन के आधार पर हो सकता है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है लाइम स्टोन। बहुत बार पूछता है कि लाइम स्टोन हमको किस प्रकार के क्लासिफिकेशन से मिलता है, तो हमको केमिकल सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन के आधार पर हमको लाइम स्टोन मिलता है, डोलो स्टोन, और जैसे हमने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन डिपोजिशन में कि ये किसके द्वारा होता है ड्यू टू इवेपोरेशन, तो इसी से नाम आ जाएगा आपका इवेपोराइट। इवेपोराइट आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा केमिकल डिपोजिट के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक डिपोजिट, ऑर्गेनिक डिपोजिट का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कोल और सल्ट, ठीक है। अच्छा इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक में किस प्रकार के मिनरल जो है वो मौजूद होते हैं, तो इसमें जो मिनरल्स होते हैं कैल्साइट मौजूद होता है, मैग्नेसाइट मौजूद होता है, डोलोमाइट, देखो हमने इग्नियस रॉक में पढ़ा था डोलोराइट, डोलोराइट आपका एक इग्नियस रॉक का ही टाइप है, लेकिन यहां पर जो ये मिनरल है ये डोलोमाइट है ना, ग्लोकोनाइट, लिमोनाइट और एनहाइड्रेट, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक में मौजूद मिनरल्स हैं। यदि हम जो हमको एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल, वो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ग्रेवल हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, जिप्सम हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, लाइम स्टोन, लिग्नाइट और टूफास, ये सारे के सारे हमारे क्या है सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो कैसे बनती है, जो हमारी इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस रॉक से डायरेक्ट हमको, इग्नियस रॉक से डायरेक्ट हमको क्या मिल सकती है मेटामॉर्फिक रॉक मिल सकती है, या सेडिमेंट्री रॉक से हमको मेटामॉर्फिक रॉक मिल सकती है। तो इग्नियस रॉक जो थी हमारी, जो हमारी इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक से हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनी और सेडिमेंट्री रॉक से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, या हम बोल सकते हैं इग्नियस रॉक से डायरेक्ट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। इग्नियस रॉक को हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं या मदर रॉक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती कैसे है, तो यहाँ पे हम देखते हैं चेंज इन नेचर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग मतलब हमारी सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है और इग्नियस रॉक भी हो सकती है, रॉक बाय ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर, जब हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक पे हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और प्रेशर का इफेक्ट आने के कारण क्या होता है उसके नेचर में चेंजेस आ जाते हैं, तो जो रॉक बनती है उसको हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, है ना। और जो ये प्रोसेस है इसका, जो इसका नेचर है, नेचर के चेंज होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म जो है इस मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से ही हमारी जो रॉक बनेगी वो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, और मेटामॉर्फिज्म की जो प्रोसेस है इसको हम चार टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं, फोर टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म को हम किसके हिसाब से, हम हीट के हिसाब से, डायरेक्ट प्रेशर या यूनिफॉर्म प्रेशर के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा आता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, है ना। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, जब हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादातर किसके कारण आ रहे हैं, हीट, हीट यदि ज्यादा है, हीट ज्यादा होने के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण जो मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारा है कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, तो कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म क्या कहलाता है, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हमारा कम हो गया और जो मेटामॉर्फिज्म की जो प्रोसेस है उसमें जो प्रेशर जो लग रहा है वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, डायरेक्ट प्रेशर लगने के कारण जो मेटामॉर्फिज्म जो हमारा बनेगा वो कौन सा हमारा होगा कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारा होता है डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ये क्या कहना था हमारा, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे अर्थ सर्फेस के हमारा टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, तो उसके कारण जो नेचर में चेंज हो गया हमारे एग्जिस्टिंग रॉक में वो क्या कहलाएगा हमारा डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारा प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म, तो प्लूटोनिक मतलब प्लेट्स जो हमारी हैं, तो यदि हम वहां पर यदि बात करेंगे तो इसपे जो मेटामॉर्फिज्म है इसपे ये जो प्रोसेस है
चेंजेस एट ग्रेट डेप्थ, जैसे आप ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उसपे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर और प्रेशर वो यूनिफॉर्म लगेगा, उसके कारण जो नेचर में चेंज होगा प्री एग्जिस्टिंग रॉक में वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। यहां तक की चीज क्लियर है? अच्छा, यदि हम इस पर बात करें, इसके एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आते हैं मेटामॉर्फिज्म रॉक में से, इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में हमारा स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, नीस हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया और मार्बल। मार्बल ऐसा एग्जाम में पूछ लेगा मार्बल किस रॉक टाइप की रॉक है आपकी, तो मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आती है। अच्छा, मैंने बोला जो हमारी इग्नियस रॉक है या जो सेडिमेंटरी रॉक है उसका जब ज्यादा हीट होने के कारण या प्रेशर चेंज होने के कारण जो उस पर इफेक्ट आता है या उसका नेचर चेंज होता है, वही हमारी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो उस पर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार की रॉक से किस प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक बनती है हमारी, है ना। सबसे पहले यदि हमने बात देखा ग्रेनाइट और साइनाइट, ग्रेनाइट और साइनाइट हमारी कैसी होती है, इग्नियस रॉक होती है, और इसका जब मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होती है तो कौन सी रॉक बनती है, हमारी नीस बनती है, ये हमारी ये सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक की हुई है। बेसाल्ट, बेसाल्ट भी हमारा कैसा है, इग्नियस रॉक है, और इससे कौन सी रॉक बनती है, हमारी सिस्ट बनती है, ये भी मेटामॉर्फिक है। डोलोमाइट, डोलोमाइट से क्या बनता है, हमारा सिस्ट बनता है, ये क्या है हमारा डोलोमाइट, डोलोमाइट हमारा सेडिमेंटरी रॉक है। सैंडी स्टोन से हमारा क्वार्ट्जाइट बनता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सैंडी स्टोन से हमारा क्या बनता है, सेडिमेंटरी, हमारा सैंडी स्टोन हमारा सेडिमेंटरी रॉक है और इससे हमारा क्वार्ट्जाइट बनता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेल या लाइम स्टोन, सेल भी एक प्रकार का रॉक है हमारा जो कि सेडिमेंटरी है, और लाइम स्टोन भी हमारा सेडिमेंटरी रॉक है, और इसका जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो क्या बनता है, हमारा मार्बल बनता है। नेक्स्ट है हमारा सेल, या हम बोल सकते हैं मड स्टोन, है ना, सेल और मड स्टोन दोनों के दोनों क्या है, हमारे सेडिमेंटरी रॉक है, और जब इसका मेटामॉर्फिज्म होता है तो हमारा क्या बनता है, स्लेट बनता है। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम तीन प्रकार से करते हैं, एक हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, एक होता है हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, और एक हमारा होता है पॉलिटेड रॉक। स्ट्रेटिफाइड नाम से समझ में आ रहा है, जिस रॉक, जो भी रॉक हमारी लेयर फॉर्म में होगी वो कैसी होगी, हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होगी। सो क्लियर क्लीवेज और क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन, जिसपे हमारा क्लीवेज फिक्स होगा, या आप बोल सकते हैं कि क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन होगा, है ना, या बोल सकते हैं जहां से हमको उसको कट करना है वो चीज हम पहले से पता है कि ये यहां से क्या हो सकती है, जैसे ब्रेक हो सकती है उस लेयर, लेयर फॉर्म में यदि है तो क्या कहला जाएगा, हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक हो जाएगी। अलॉन्ग विच दे कैन बी ब्रोकन, है ना, जिस जगह से हमको उस पर पहले से ही पता रहता है कि वो जो रॉक रहेगी वो उसी जगह से टूटेगी। जैसे यदि एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो स्ट्रेटिफाइड रॉक में यदि हम बात करते हैं, जितनी भी हमारी सेडिमेंटरी रॉक्स है जनरली वो किस फॉर्म में, कौन सी रॉक होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। जैसे हमारी यदि बात करें, जो हमारी जैसे चीप होती है, चीप वो लेयर फॉर्म में ही टूटती है आपकी हमेशा, है ना, जो जैसे लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, तो ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक मतलब ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, ये लेयर्ड के फॉर्म पे नहीं होंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होगा, है ना, ये टूटेंगे नहीं आसानी से, इस पर किसी प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा। कैन नॉट बी ब्रोकन इन डिजायर प्लेन, इसका प्लेन फिक्स नहीं है टूटने का, ये कहीं से भी टूट सकते हैं, है ना, जबकि स्ट्रेटिफाइड रॉक में क्या था आपका, उसका एक प्लेन था, वो वहीं से जनरली लेयर फॉर्म में टूटता जाता है, है ना। नेक्स्ट हमारा होता है फोलिएटेड रॉक, फोलिएटेड रॉक क्या कहलाता है, हमारा ब्रेक इन डेफिनेट डायरेक्शन, ये जिस डायरेक्शन पर इसका जो जहां से ब्रेक होना वो इसका डायरेक्शन फिक्स होगा कि उसी जगह से टूटेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फोलिएटेड रॉक कहलाएगा। स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल हमारे सारे के सारे जनरली हमारे जो सेडिमेंटरी रॉक है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंतर्गत आ जाते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक की यदि हम बात करते हैं तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जिनका स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं ग्रेन्युलर होगा, वो जैसे हमारा इग्नियस रॉक हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोलिएटेड रॉक, इनका डायरेक्शन फिक्स है कि यहीं से ब्रेक होंगे, जैसे हमारे मैक्सिमम सारे के सारे क्या जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फोलिएटेड रॉक के अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप ये फिजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल के आधार पर कौन सा कंपोजिशन ज्यादा होता है उसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक नाम से समझ में आ रहा है, जिसपे सिलिका का कंटेंट क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा, या सिलिका ज्यादा मात्रा में होगी तो क्या हो जाएगा, सिलिशियस रॉक हो जाएगा, है ना। ये कैसी होती है, सिलिशियस रॉक कैसी होती है, ड्यूरेबल होती है, और इसमें किसी भी प्रकार की वेदरिंग एजेंट जैसे वाटर, विंड, इन सारी चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता आपका सिलिशियस रॉक में। इसके एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका क्वार्ट्जाइट,
ग्रेनाइट, साइनाइट और ट्रैप। जैसे क्वार्ट्जाइट की यदि हम बात करें तो क्वार्ट्जाइट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, ग्रेनाइट साइनाइट हमारी कैसी रॉक है, हमारी इग्नियस रॉक है, और ट्रैप हमारा सेडिमेंटरी रॉक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कैलकेरियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल में यदि हम बात करते हैं हमारा, तो जिसपे कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट ज्यादा मात्रा में होता है वो हमारी कैलकेरियस रॉक कहलाती है। इस पे यदि एग्जांपल में बात करें लाइम, लाइम का केमिकल फार्मूला सी है, वो लाइम पढ़ चुके हैं, लाइम स्टोन है ना, मार्बल, मार्बल भी हमारा किसके फॉर्म में आता है, हमारा कैलकेरियस रॉक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा जिसपे मार्बल में भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा आर्जिलिसियस रॉक, आर्जिलिसियस रॉक की यदि हम बात करें जिसमें क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है, ये ज्यादा डेंस होते हैं इस तरीके के रॉक, और कॉम्पैक्ट भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं ना। जैसे एग्जांपल में यदि हम बात करें स्लेट हो गया हमारा, मड स्टोन हो गया हमारा, और लैटेराइट। तो इस तरीके से हमने रॉक का क्लासिफिकेशन देख लिया। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जब हमारी रॉक बनती है तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, टेक्स्चर कैसा होता है हमारी रॉक का, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अ रॉक या टेक्स्चर ऑफ अ रॉक। तो टेक्स्चर एक्चुअली होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल, है ना, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल फॉर्मिंग अ रॉक। जब मिनरल्स, मिनरल्स का अरेंजमेंट होता है और जो रॉक बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका टेक्स्चर बोलते हैं या स्ट्रक्चर बोलते हैं रॉक का, है ना। कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो सबसे पहला है हमारा देख लेते इस पर कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नाम से समझ में आ रहा है, द फाइन ग्रेन और पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो इसके जो ग्रेन्स होते हैं, जो फाइन ग्रेन्स होते हैं, वो किस फॉर्म, किस फॉर्म में है, जो इसके पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में कॉम्पैक्ट होते हैं, तो कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म पे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल्स हैं और वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कौन कौन से इसके एग्जांपल में देखा तो मार्बल हो गया, मार्बल बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, और क्वार्ट्जाइट हो गया हमारा, ये कैसा हो गया हमारा, कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, द ग्रेन्स आर राउंड, जो पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रेन्स होंगे वो कैसे रहेंगे, राउंड शेप में होंगे, और इनका जो साइज है हर एक का वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, एंड डिफरेंट साइजेस, है ना। नेक्स्ट है हमारा फोलिएटेड, फोलिएटेड अभी देखा था हमने, फोलिएटेड द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर। तो इस पे जो अरेंजमेंट होता है मिनरल्स का वो कैसा होता है, पैरेलल लेयर में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोलिएटेड बोलेंगे। हमने कॉन्ग्लोमेरेट में देखा था ग्रेन्स कैसे थे, राउंडेड थे, है ना, और अलग अलग साइज के थे, और तो इनको बाइंड करने के लिए हमको सीमेंटिंग मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये बाइंड हो जाते हैं आपके, किसी प्रकार के बाइंडिंग मटेरियल का यूज होता है इस पर बाइंड होने के लिए। नेक्स्ट हमारा हो गया फोलिएटेड, ये किस फॉर्म में होता है आपका, पैरेलल लेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लासी, ग्लासी नाम समझ में आ रहा है किसके जैसे स्ट्रक्चर होगा, ग्लास के जैसे स्ट्रक्चर होगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से अभी हमने देखा था इग्नियस रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो इस पर क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल आर सिमिलर साइज, जो इस पर जो क्रिस्टल्स है वो कैसे होते हैं, सेम साइज के होते हैं, दे आर सेपरेटेड, और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, सेपरेट होते हैं, बट इनको बाइंड करने का काम कौन करता है, हेल्ड टुगेदर बाय सम बाइंडिंग मटेरियल। इसको ही बाइंड करने का काम कौन करता है, कोई बाइंडिंग मटेरियल करता है। जैसे यदि हम बात करते हैं यहां पर इसके एग्जांपल में ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में यदि हम बात करें तो सैंड स्टोन हो गया हमारा, नीस हो गया, है ना, तो ये किस क्या कैसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे हमारे, ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पीजोलिटिक स्ट्रक्चर, पीजोलिटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज कैसा होता, थोड़ी सा बड़ा साइज होता है, जो मटर के दाने होते हैं उससे भी बड़े साइज के होते हैं इसके ग्रेन्स। नेक्स्ट है हमारा पोरस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, इरेगुलर माइन्यूट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे माइन्यूट हैं और इरेगुलर हैं, और इनका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, नॉट ड्यूरेबल, मतलब ड्यूरेबल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा पोरफिराइटिक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, द क्रिस्टल आर वन और मोर ऑफ मिनरल्स, है ना, एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं और लार्ज होते हैं और प्रीडोमिनेंट, मतलब ज्यादा मात्रा में होते हैं और बड़े होते हैं ना, तो उसको इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पोरफिराइटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकुलर नाम से समझ में आ रहा है कि स्पेस हो जाएगा इसमें ना, वेसिकुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज इंडिकेटेड
बाय स्मॉल इरेगुलर कैविटीज, है ना। जब 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 हम देखेंगे रॉक की सरफेस में तो ऊपर से उसमें कैविटी दिखती है तो वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारा वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे एक पॉइंट और देख लेते हैं, हमारा फ्रैक्चर, जब हमारी जो रॉक है जब टूटती है, जब उसमें फ्रैक्चर आता है, तो फ्रैक्चर किस किस प्रकार से हो सकता है रॉक में, फ्रैक्चर ऑफ रॉक। तो इसका जो फ्रैक्चर होता है कॉन्कोइडल हो सकता है ना, कॉन्कोइडल फ्रैक्चर हो सकता है। कॉन्कोइडल फ्रैक्चर के अंदर कौन कौन से रॉक आते हैं, आपके क्वार्ट्जाइट होता है और फ्लिंट होता है ना। इस पर यदि हम बात करें कॉन्कोइडल फ्रैक्चर में, तो इस पे आपका सेट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थी स्ट्रक्चर या अर्थी फ्रैक्चर। अर्थी फ्रैक्चर जैसे हमारा चौक हो गया है ना, रिजेंबल अर्थ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि चौक के फॉर्म पे पाया जाता है, मतलब उसको यदि अपन ने ये जब आपका अर्थी मतलब जब ये फ्रैक्चर होगा तो अर्थ में जाके मिल जाएगा। तो जनरली जैसे हमारा चौक होता है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा इवन फ्रैक्चर। इवन फ्रैक्चर की हम बात करें तो इवन फ्रैक्चर हमारा किस तरीके का होता है, जनरली ये जब इसको फ्रैक्चर करेंगे हम सरफेस को, जनरली जो सरफेस होती है इरेगुलर शेप की होती है, लेकिन जब हमने इसको जब ये फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर में जो इसका सरफेस का स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, क्रिस्टलाइन टेक्सचर दिखेगा, है ना, मतलब हमको प्लेन ज्यादा दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइब्रस। फाइब्रस में जब फ्रैक्चर पड़ेगा स्टोन पे या रॉक में, तो उसकी जो सरफेस है वो कैसी दिखेगी, हमको फाइबर के फॉर्म पे दिखेगी जब उस पर एस्बेस्टस होगा। नेक्स्ट हमारा हैकली फ्रैक्चर। हैकली फ्रैक्चर क्या होता है, जब इस पर फ्रैक्चर होगा स्टोन पे तो रफ होगी इसकी सरफेस, ब्रोकन दिखेगी, ब्रोकन सरफेस होगी, और उसकी जो एजेस होंगी वो कैसी होंगी, शार्प होंगी। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्चर है अनइवन। नाम से समझ में आ रहा है अनइवन, जब अनइवन होगा तो इस पर जो इसका जो सरफेस होगा या जो इसका स्ट्रक्चर दिखेगा हमको वो कैसा दिखेगा, ग्रेन्युलर टेक्सचर दिखेगा। यहां तक की चीज समझ में आ गई, ओके। अब हम देखेंगे स्टोन पे होने वाले टेस्ट, है ना, कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे। सबसे पहले हम देखते हैं इस पर एसिड टेस्ट, ठीक है, एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट में क्या करते हैं हम, एक एसिड टेस्ट नाम समझ में आ रहा है, एसिड लेंगे। एसिड कौन सा लेंगे हम, HCl लेंगे, है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा HCl। और यदि HCl को हमारा स्टोन रजिस्ट कर सकता है तो बाकी सारे एसिड अटैक जो होंगे उनको रजिस्ट कर पाएगा। तो एसिड टेस्ट में करना क्या है हमको, हम देख लेते हैं। द पीस ऑफ स्टोन is weighed and kept in HCl for 7 days. हम क्या करते हैं स्टोन की पीस ले लेते हैं, जनरली जिसका वेट आपका कितना होता है 0.5 से 1 न्यूटन अप्रोक्सीमेट होता है, उसका हम एक स्टोन पीस ले लेते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम HCl मतलब हमारा जो एसिड है उस पर हम डाल देते हैं 7 दिन के लिए, ठीक है। द सोल्यूशन इज एजिटेट, और उस सोल्यूशन को हम जो हमारा सोल्यूशन रहेगा HCl को उसको हम क्या करते रहेंगे, एजिटेट करते जाएंगे, मतलब उसको सेक करते जाएंगे। इफ द स्टोन मेंटेन इट्स शार्प एजेस एंड सरफेस फ्री फ्रॉम पाउडर, जो यदि स्टोन है स्टोन का जो एज होंगे यदि वो शार्प रहते हैं आफ्टर 7 डेज एंड उसकी जो सरफेस है उस पर किसी प्रकार का कोई पाउडर जो है फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमारा जो स्टोन होगा वो फ्री फ्रॉम एसिड अटैक, मतलब उस पर उस एसिड अटैक का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, है ना, मतलब हमारा जो स्टोन रहेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिड टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट हमारा स्टोन पे एड्रिसन टेस्ट। मैंने जब एग्रीगेट पढ़ाया तब वहां पर ही बताया था, एक होता है एब्रिसन टेस्ट और एक होता है एड्रिसन टेस्ट, है ना। एड्रिसन टेस्ट मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, रब होंगे, तो उनको हम बोलेंगे एड्रिसन। एड्रिसन टेस्ट जो हम करेंगे वो किसकी सहायता से करेंगे, डेविल्स एड्रिसन टेस्ट मशीन। एक मशीन होती है डेविल एड्रिसन टेस्ट मशीन, इस पे हम करेंगे एड्रिसन टेस्ट। और एड्रिसन टेस्ट हम क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि हमारे जो स्टोन है जैसे हमने रोड में स्टोन को यूज किया तो उसके ऊपर से हमारे बहुत सारा ट्रैफिक जाने वाला है, तो वो ट्रैफिक को तो रजिस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो इस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एड्रिसन टेस्ट करना पड़ता है। वियर अगेंस्ट ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन बाय ट्रैफिक, है ना, तो कितना वियर कर पा रहा है ट्रैफिक लोड को, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एड्रिसन टेस्ट करना पड़ता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसके लिए हम डेविल्स एड्रिसन टेस्ट मशीन यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है जिसका साइज होता है आपका 20 mm, और उसकी सिलेंडर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 740 mm, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसको रोटेट करना है 5 घंटे तक, और इसके जो स्पीड रहेगी वो क्या होनी चाहिए, 30 rpm 30 revolution per minute, है ना, 1 minute में 30 revolution मिलेगा उस पर। तो ऐसा हमको 5 घंटे तक करना है, हमने जो हमारे जो स्टोन है उसका स्टोन का जो साइज रहेगा, जो हमको स्टोन लेने हैं उनको हमने 60 mm के साइज में ब्रोकन कर लिया, और उसके बाद उसका वेट ले लिया 5 kg अप्रोक्सीमेट स्टोन हम ले लेते हैं, और उसको हम डाल देते हैं सिलेंडर में, और उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद 5 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो भी स्टोन है पूरे अच्छी तरीके से क्या हो गया, आपस में एड्रिशन होने के कारण
क्रश हो गया, और क्रश होने के बाद हम इसको 5 घंटे के बाद निकालेंगे और हमारे इसमें जो सीव 1.5 mm की जो सीव होगी उस पर हम क्या कर लेंगे, इस पर से इसको निकाल लेंगे, जो भी आपका जो इस पर रिटेन हुआ, जो इस पर से पास हो गया, हम उसका क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे, उस वेट को हमने बोल दिया W2। और स्टार्टिंग में जो हमने वेट लिया तो हमारा वेट क्या था, W1, ये हमारा 5 kg का था। अब हमको यदि परसेंटेज वियर निकालना, तो परसेंटेज वियर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस इन वेट, जो भी लॉस हुआ वेट का, वो डिवाइड बाय ओरिजिनल वेट इनटू 100 कर देंगे तो हमको परसेंटेज वियर निकल के आ जाएगा। एक अच्छे स्टोन के लिए यदि हम बात करें तो हमारा जो वियर परसेंटेज है वो नॉट लेस देन 3% होना चाहिए। ठीक है, यहां तक की चीज समझ में आ गई, एड्रेसर टेस्ट समझ में आ गया, एसिड टेस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है, यदि मैं बात करूं, यदि मैंने सिर्फ एक क्यूब लिया, दो चीजें यहाँ पे अच्छे समझना है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक क्रशिंग स्ट्रेंथ। यदि मैं सिर्फ एक क्यूब की स्ट्रेंथ निकालने की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। प्रोसेस सेम रहेगी। यदि मैं बात कर रहा हूं, मैं सैंपल ले रहा हूं, अब एक सैंपल में हम 6 क्यूब भी ले सकते हैं या 3 क्यूब भी ले सकते हैं ना, तो यदि कंबाइन यदि मैं बात करूं किसी एक सैंपल की, सैंपल मतलब हमारे उस पर 3 क्यूब भी हो सकते हैं, 6 क्यूब भी हो सकते हैं, तो वो निकल के जो आएगी उन तीनों का जो एवरेज होगा वो हमको देगी क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सर, यदि 3 का एवरेज हम निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी। यदि मैं किसी एक क्यूब की स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूं तो क्या कहलाएगी, हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाएगी। अच्छा, हम कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो हमने क्या किया, इस पर हम क्यूब लेंगे, हमारा एक स्टोन है, स्टोन को हमने उसको क्यूब बना लिया, और क्यूब का जो साइज होगा, साइज IMPI याद रखना, क्यूब का जो साइज होगा 40 mm × 40 mm × 40 mm × 40 mm, ये हमारे क्यूब का साइज होगा। ठीक है, हमने इस तरीके का क्यूब बना लिया और इसको हम टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम यूज करेंगे UTM मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, है ना। इसके जो ये वाली सरफेस है, इस पे हमने क्या किया है, इसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे हमने कोटिंग कर दिया, इस लोडिंग जहां पर करेंगे वहां पर हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया 5 mm की, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग होगी या तो प्लाईवुड लगा देंगे, है ना। ये लोड कोटिंग करने का पर्पस क्या है, कि ताकि लोड जो है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो, है ना, एक साथ ट्रांसफर हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्यूब बनाया, क्यूब को हमने 3 दिन के लिए क्या कर दिया, वाटर पर रख दिया, और आफ्टर 3 डेज हमने क्या किया, इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर क्या किया, टेस्ट किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हमको क्या करना है, ग्रेजुअल लोडिंग लगानी है, तो जो लोड का रेट रहेगा वो रेट कितना रहेगा, 40 Nm/mm² एक मिनट में हमको क्या करना है, इतना लोड, और हमको क्या करना है, धीरे धीरे लोड को बढ़ाते जाना है, और जिस लोड पे हमारा जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, क्रश कर जाएगा, फ्रैक्चर का साइन आएगा, उस लोड को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। सपोज वो लोड हमारा क्या है, पी है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। यदि मैं एक क्यूब की स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं तो हो जाएगी क्रशिंग स्ट्रेंथ, यदि मैंने 3 क्यूब या 6 क्यूब लिए हैं उन सबकी स्ट्रेंथ निकाली, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाली, और उसके बाद क्या कर दिया, उन सबका एवरेज ले लिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अच्छी जो स्टोन है उसका जो किसी भी स्टोन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 100 MPa से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, हम क्रशिंग स्ट्रेंथ एग्जाम में आ जाती है, देख लेते हैं अलग अलग टाइप की स्टोन का, है ना, क्रशिंग स्ट्रेंथ। सबसे पहले यदि देखें हमारा बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेनाइट, साइनाइट और ट्रैप, ये सारे क्या है, इग्नियस रॉक है, इनका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना कितना होता है। यदि बात करें हमारे बेसाल्ट का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये सारी वैल्यू किस पे है, मेगा पास्कल पे है, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। बेसाल्ट का जो होता है हमारा 150 to 185 मेगा पास्कल, डायोराइट का जो होता है 90 to 150 मेगा पास्कल, ग्रेनाइट याद रखना है, ग्रेनाइट का क्या होता है हमारा 75 to 127 मेगा पास्कल, साइनाइट का हमारा 90 to 150 मेगा पास्कल। उसके बाद हमको याद रखना है ट्रैप का कितना होता है हमारा, ट्रैप भी हमारा कैसा है, इग्नियस रॉक है, 330 to 380 मैक्सिमम है यहाँ पे आपका, है ना, इग्नियस रॉक में इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 380 मेगा पास्कल तक होती है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री में लैटेराइट आ जाती है, लाइम स्टोन जाता है, सैंड स्टोन जाता है, और सेल। यदि लैटेराइट की बात करते हैं तो 1.8 to 3.1 मेगा पास्कल, लाइम स्टोन 54, सैंड स्टोन 64 मेगा पास्कल, सेल की यदि बात करते हैं तो मिनिमम 0.2 to 0.6। नेक्स्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में हमारा नीस और स्लेट, नीस की यदि हम बात करते हैं 206 से 370 तक मेगा पास्कल, और स्लेट की यदि हम बात करते हैं 75 to 207 मेगा पास्कल। यहां तक की चीजें क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हम, इसमें होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सैंपल लिया स्टोन के, A sample of stone is taken and kept in water for 24 hour. हमने क्या किया, सैंपल लिया और उसको 24 hour के लिए क्या कर दिया, उसको वाटर पे रख दिया। After 24 hour, एक दिन के बाद 24 आवर हम इसको क्या कर देंगे, फ्रीजिंग मशीन पे रख देंगे, और फ्रीजिंग मशीन का जो हमारा टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर होता है आपका
-12 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर 24 आवर्स के लिए हम इसको यहाँ पर रख देंगे। आफ्टर 24 आवर हम क्या करेंगे, स्पेसिमन इज टेकन आउट, हम स्पेसिमन को निकाल लेंगे एंड जो हमारा स्पेसिमन है उसको हम क्या कर देंगे, एटमोस्फेरिक कंडीशन पर रख देंगे। उसके बाद हम जो हमारा स्टोन है स्टोन का बिहेवियर चेक कर लेंगे। यदि स्टोन का बिहेवियर हमारा सही है, मतलब हमारा स्टोन अच्छा है, यदि स्टोन का बिहेवियर सही नहीं है, मतलब उसमें कोई क्रैक्स नहीं पड़े हुए हैं, जो उसकी एजेस शार्प ही है ना, इस तरीके से, तो हम उसको उसका जो बिहेवियर है स्टोन का उसको चेक कर लेंगे। यदि वो सही है तो हमारा क्या कहला जाएगा, वो उसका फ्रीजिंग एंड थाइंग के इफेक्ट को क्या कर रहा है, झेल पा रहा है, तो स्टोन हमारा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट के मतलब हमने क्या बताया था, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग है ना। तो हार्डनेस टेस्ट हम किसके द्वारा करेंगे, एग्रीगेट के टाइम भी बताया था एग्रीगेट की इसकी जो टेस्टिंग करते हैं हम डॉरी टेस्टिंग मशीन से कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल लेंगे स्टोन का जिसका साइज जो है, यदि इसकी हाइट की बात करेंगे तो 25 mm का होगा, और इसका यदि हम डायमीटर की बात करेंगे तो वो भी 25 mm का होगा, और हम इसका क्या ले लेंगे, वेट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डॉरी टेस्टिंग मशीन पर रखेंगे जिस पर हम इस पर प्रेशर लगाएंगे 12.5 N का, और इसको किस रेट से हम इसको रोटेट करेंगे, तो 28 RPM के रेट से हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे 500 times, है ना। उसके बाद क्या होगा, जो भी इसका वेट बचेगा हम उसका वेट क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, और उससे हम निकाल लेंगे लॉस ऑफ वेट, ठीक है। लॉस ऑफ वेट को हम क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। अब जो हमारा हार्डनेस है, हार्डनेस को हम यहाँ पे उसकी कोफिशियंट बताते हैं, हार्डनेस और कोफिशियंट से डिटरमाइन करते हैं। तो हार्डनेस और कोफिशियंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, IMP एग्जाम पे आता है हार्डनेस और कोफिशियंट का फॉर्मूला। 20 माइनस लॉस इन वेट, स्टार्टिंग में वेट इसका W1 था, उसके बाद जब हमने प्रेशर लगा दिया 28 RPM से इसको रोटेट कर दिया 500 times, उसके बाद हमने इसका वेट दे दिया और वहां से हमने लॉस इन वेट निकाल लिया, और जो भी हम वेट निकालेंगे वो याद रखना ग्राम पे निकालना है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हार्डनेस ऑफ कोफिशियंट मिल जाएगा, ठीक है। हार्डनेस ऑफ कोफिशियंट के हिसाब से ही हम यहाँ पर हार्डनेस को बताते हैं। जैसे यदि हमारी यहाँ पर यदि हमारा हार्डनेस ऑफ कोफिशियंट यदि हमारा 17 से ज्यादा आ रहा, तो हम बोलेंगे जो हमारा स्टोन है वो गुड क्वालिटी का है, गुड हार्डनेस है उसकी, है ना। और ऐसे स्टोन जिसका हार्डनेस ऑफ कोफिशियंट जो है वो ज्यादा है किससे, 17 से, तो उस टाइप के स्टोन को हम यूज कर सकते हैं रोड वर्क के लिए। यदि हमारा हार्डनेस ऑफ कोफिशियंट कितना आ रहा है, हमारा 14-17 के बीच में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मीडियम हार्डनेस है। और यदि हमारी हार्डनेस 14 से कम आ रही है तो उसको हम बोलेंगे पुअर क्वालिटी की हार्डनेस है ना। और ऐसी स्टोन को जिसकी हार्डनेस कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस उसका 14 से कम आ रहा है, उसको हम रोड के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में नहीं लेंगे। अब हार्डनेस के लिए एक कुछ और चीजें होती है, हार्डनेस स्केल होता है। हार्डनेस स्केल मैंने 3 टाइप के स्केल बताए थे, यहाँ पर हम देखेंगे मोहर्स स्केल है ना। मोहर्स स्केल में हम पता करते हैं हार्डनेस नंबर किसका किस टाइप के स्टोन का कितना हार्डनेस नंबर है। तो सबसे पहले यदि हम बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सॉफ्टेस्ट स्टोन कौन सा होता है आपका, तो टार्क जो होता है आपका सॉफ्टेस्ट होता है, इसका हार्डनेस नंबर होता है 1। और हार्डेस्ट यदि हम बोलेंगे तो हार्डेस्ट कौन सा होता है, हमारा डायमंड है ना, जिसका मोहर्स हार्डनेस नंबर कितना होता है, 10 होता है। लास्ट ईयर एग्जाम में टोपाज का पूछा हुआ था, तो टोपाज का कितना हमारा 8, तो हम सारे देख लेंगे। टार्क का हमारा 1 होता है हार्डनेस नंबर, जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, फ्लोराइड का 4 होता है, और एपेटाइट का 5 होता है। ऑर्थोक्लेस जो मैंने आपको टाइल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पर क्ले में बताया था, ऑर्थोक्लेस मिनरल होता है और इसका जो हार्डनेस नंबर होता है वो 6 होता है। क्वार्ट्ज भी एक तरीके का मिनरल है जिसका आपका हार्डनेस नंबर कितना होता है, 7 होता है। टोपाज 8, कोरंडम 9 और डायमंड हमारा 10, ठीक है। ये याद रखने हैं, जिस तरीके से आप याद कर पाओ उस तरीके से आप याद करना, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंपैक्ट टेस्ट। हमने फ्रीजिंग एंड थाइंग टेस्ट देख लिया, हार्डनेस टेस्ट देख लिया, नेक्स्ट टेस्ट हमारा इंपैक्ट टेस्ट। तो इस पे भी हम जो सैंपल लेते हैं उसका साइज हमारा, इसका डाया यदि बात करेंगे सिलेंडर का तो 25 mm का होता है, और इसकी जो हाइट होती है 25 mm की होती है। इसको हम इस सैंपल को हम कास्ट आयरन की जो हमारे पास एनविल होती है उस पर रख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं इस पर इंपैक्ट लोड लगाते हैं, इंपैक्ट के सडल लोड लगाते हैं। तो इसके लिए हमको लोड लगाने के लिए हैमर चाहिए, तो उस हैमर का वेट होता है हमारा 20 N का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसका जो हाइट ऑफ फॉल, अब हमको हैमर का वेट पता है, हाइट ऑफ फॉल क्या रखनी है, हम तो 1 cm का हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाइट ऑफ फॉल कैप्ड 1 cm एंड देन इंक्रीज 1 cm फॉर नेक्स्ट ब्लो। तो पहले ब्लो के लिए हमने 1 cm किया उसका हाइट ऑफ फॉल, फिर हमने सेकेंड ब्लो के लिए 2 cm का फॉल कर दिया। ऐसे हम क्या करते जाएंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। 3 cm के लिए हमने क्या कर दिया, 3 cm के हाइट ऑफ ब्लो पर 3 ब्लो दे दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n सेंटीमीटर तक हम जाएंगे तो हमको n नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ेंगे, और जिस ब्लो पे हमारा स्पेसिमन हमारा ब्रेक हो जाएगा उसको हम
कैलकुलेट कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि किस नंबर कितने नंबर पे हमारा किस ब्लो पे हमारा जो है स्पेसिमेन ब्रेक हो गया, उसको हम नोट कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा टफनेस इंडेक्स होगा। इस टफनेस इंडेक्स के हिसाब से ही हम टफनेस बताते हैं। यदि टफनेस इंडेक्स हमारा ग्रेटर देन 90 है तो हमारा क्या हो जाएगा हाई टफनेस हो जाएगी। यदि हमारा जो टफनेस इंडेक्स है वो 13 to 19 है तो हमारी जो टफनेस है वो मीडियम टफनेस हो जाएगी, और यदि लेस देन 13 है टफनेस इंडेक्स तो हमारी जो टफनेस है वो कैसी हो जाएगी लो टफनेस हो जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा जो स्टोन है उस पर सॉल्युबल मैटर है या नहीं है, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जार होता है हमारे पास, उसमें स्टोन की चिप्स सारे डाल देते हैं और यहां पर हम यूज करते हैं क्लीन वाटर का, ठीक है। हम यहां पर यूज करते हैं क्लीन वाटर का, और क्लीन वाटर को 60 मिनट तक हम ऐसे एक घंटे तक ऐसे रखे रहने देते हैं, और उसके बाद एक घंटे के बाद हम इसको क्या करते हैं स्टेराइड कर देते हैं, मतलब बहुत तेजी से हम क्या कर देते हैं इसे घुमा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर स्ट्रेन इफ वाटर रिमेन्स क्लीन, उसके बाद भी यदि हमारा वाटर क्लीन है तो हम बोलेंगे हमारे जो स्टोन है उस पर किसी प्रकार के सॉल्युबल मैटर मौजूद नहीं है। यदि हमारा वाटर क्लीन नहीं रहा है ना तो कैसे बोल सकते हैं कि उस पर सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जैसे मैंने ब्रेक पर बताया था सेम वैसे ही, यहां पर सिर्फ वैल्यू याद रखना है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है उस पर जो स्टोन के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो लेस देन 0.6% होना चाहिए। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। एक जो बिल्डिंग स्टोन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, गुड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो यदि हम देखें ये एग्जाम के लिए आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन आता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 मेगा पास्कल से कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये देख भी लिया पहले भी। अपीयरेंस की यदि हम बात करें तो प्रॉपर अपीयरेंस होना चाहिए, तो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, यदि ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया या अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा तो उसको मोर्टार ज्यादा लगेगा। यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए उसका, है ना। अच्छा नेक्स्ट हम देखें तो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होना चाहिए हमारा वेदरिंग कंडीशन, किसी भी प्रकार की वेदरिंग कंडीशन को क्या कर सके वो झेल सके, मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए। अल्टरनेट वेटिंग हो, फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो, तो इन सबको क्या कर जाना चाहिए और उसके लिए ड्यूरेबल होना चाहिए। हार्डनेस, तो हार्डनेस की अभी बात की थी, तो हार्डनेस कोफिशिएंट, हार्डनेस हम बताते हैं हार्डनेस कोफिशिएंट के टर्म में, यदि हार्डनेस कोफिशिएंट ग्रेटर देन 17 है तो इसका यूज हम कहां पर करेंगे इस टाइप के स्टोन का, रोडवर्क में यूज करेंगे। 14 to 17 है तो मीडियम हार्ड स्टोन होगा हमारा, और यदि लेस देन 14 है तो इसका यूज नहीं करेंगे हम रोड कंस्ट्रक्शन पे, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, है ना। नेक्स्ट हमने देखा था एट्रिशन टेस्ट में परसेंटेज वियर, परसेंटेज वियर क्या है, शुड नॉट बी लेस देन 3%। नेक्स्ट टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स अभी हमने देखा था टफनेस टेस्ट जब किया था, यदि इसका जो टफनेस इंडेक्स ग्रेटर देन 19 होगा तो ये क्या हो जाएगा हाई टफ हो जाएगा, 13 to 19 होगा तो मीडियम टफ हो जाएगा, और लेस देन 13 है तो टफ नहीं होगा, नॉट टफ होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो हमारा स्टोन के लिए कितना होना चाहिए, लेस देन 0.6%। उसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ स्टोन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो इसका यूज या कंस्ट्रक्शन में कहां कहां हम स्टोन को यूज करते हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन है इसके, जैसे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर जैसे हमारा फाउंडेशन का काम हो गया, वॉल बनाना हो गया, हमको कॉलम बनाना हो गया, लिंटेल बनाना हो गया, या आर्चेस वगैरह बनाना हो गया, तो इन सारे स्ट्रक्चर के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, स्टोन का यूज कर सकते हैं, स्टोन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेस वर्क के लिए, तो यदि ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हम बात करें तो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हम स्टोन यूज करते हैं, स्टोन में जैसे हमारा मार्बल हो गया है ना, तो फेसिंग के काम पे यूज कर सकते हैं हम, तो फेस वर्क या ऑर्नामेंटल। नेक्स्ट हमारा पेविंग, पेविंग से हमको समझ में आ रहा है कि इसका यूज हम फुटपाथ वगैरह बनाने में कर सकते हैं, बिल्डिंग के फ्लोर बनाने में कर सकते हैं, तो फ्लोरिंग का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल में यदि हम स्टोन की बात करें तो बहुत फाइन स्टोन जिनको हम पीस के हमारा क्या बनता है, हमारा सीमेंट बना सकते हैं, सीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, मुरम के यूज के रूप में यूज कर सकते हैं, और ब्लास्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेलवे ब्लास्ट के रूप में भी इस स्टोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यदि बात कर रहे हैं बिल्डिंग स्टोन की, तो इसका यदि हम स्टोन का यूज करें तो जैसे हम रिटेनिंग वॉल बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं, पियर बनाने में यूज कर सकते हैं, अबटमेंट बनाने में यूज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें बनाने में हम स्टोन का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, फिर बता दिया, लेकिन ये आईएमपी है, यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। अब हमारा टॉपिक है स्टोन पेयरिंग, है ना। स्टोन पेयरिंग क्या होती है, जो हम नेचुरल रॉक पैड्स है यदि हम उससे किसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं स्टोन प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टोन क्योरिंग। प्रोसेस टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड इज नॉन एज स्टोन क्योरिंग। स्टोन क्योरिंग एक प्रोसेस है जिससे हम नेचुरल रॉक से हम क्या प्राप्त करते हैं, स्टोन प्राप्त करते हैं। इसकी मेथड ऑफ क्योरिंग कौन कौन सी है, तो मेथड ऑफ क्योरिंग सबसे पहले हमारी क्योरिंग विद हैंड टूल,
है ना, हैंड टूल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्लियरिंग कर सकते हैं। इसमें हैंड टूल कौन कौन से हमारे, डिगिंग एंड एक्सकेवेशन, डिगिंग एंड एक्सकेवेशन। तो हम सबसे इस पे क्या करते हैं, ये किसके लिए होती है, यूज फॉर सॉफ्ट स्टोन के लिए। इसमें हम पिक एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, हैमर, सॉइल और चीजल, ये सारी चीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग, क्लियरिंग में हैंड टूल में हमारा नेक्स्ट है हीटिंग। अब यदि हमारा जो स्टोन है वो आपका इनके द्वारा नहीं तोड़ा जा सक रहा, तो अपन क्या करेंगे, उसको पहले उसकी सरफेस को हीट कर देंगे। हीट करने से क्या हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, फिर हम आसानी से इनसे क्या कर लेंगे, डिगिंग एंड एक्सकेवेशन के जो टूल्स हैं उसकी सहायता से हम इससे स्टोन निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, इसमें नेक्स्ट है हमारा वेजिंग। वेजिंग यदि हम देखें तो वेजिंग कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्टोन में क्रैक्स बनाते हैं। स्टील वेज होता है हमारा और स्टील पॉइंट होता है। स्टील पॉइंट कुछ इस तरीके से पॉइंट होता है आपका, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम इस पर वेज की सहायता से हम इस पर क्रैक्स बनाते हैं स्टोन पर या रॉक्स पर, तो उससे हमको स्टोन मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस प्रोसेस में क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन। अब थोड़ी सी यहां पर तो हमारी जो स्टोन, हमारे पास जो रॉक थी वो सॉफ्ट थी, उससे हम आसानी से हम स्टोन बना सकते हैं, लेकिन जब हमारी जो रॉक है वो ज्यादा हार्ड हो जाए तो उसके लिए हम चैनलिंग मशीन का यूज करते हैं। चैनलिंग मशीन को जो ड्रिवन किसके द्वारा चलाई जा सकता है, स्टीम के द्वारा, कंप्रेस्ड एयर के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी, इनके द्वारा ड्रिवन हो सकती है ना। इस चैनलिंग मशीन से क्या होता है, वर्टिकल या ऑब्लिक क्यूब ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और फिर उसके बाद फिर हम उससे हम स्टोन्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है जो मेथड है वो है हमारी क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के द्वारा भी हम रॉक्स को, अब हमारी जो रॉक है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो उसको तोड़ने के लिए हमको ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, और उस पर जो ब्लास्टिंग में टूल यूज होते हैं, कई बार एग्जाम पे ये टूल बने आ जाते हैं और पूछ लेगा इसका नाम क्या होता है, ये है हमारा डिपर, ठीक है, ये हमारा है डिपर, इसकी सहायता से होल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जंपर, नेक्स्ट हमारा प्राइमिंग नीडल, कुछ इस तरीके से नीडल होती है। नेक्स्ट हमारा स्क्रैपिंग स्पून, इससे हम मिट्टी को साफ करते हैं, जब हम होल बनाएंगे तो हम वहां पे होल ड्रिल किसकी सहायता से करेंगे, डिपर की सहायता से करेंगे, और जब हम उस पर सैंड फिल करेंगे तो हम अभी देखेंगे ये जंपर का यूज क्या होता है। प्राइमिंग नीडल भी यूज होती है, स्क्रैपिंग स्पून भी यूज होती है, और हमारी टेम्परिंग बार भी यूज होती है, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ का मिटा देता हूँ, इस वाले पॉइंट का, इनका यूज मैं समझा देता हूँ एग्जाम पे। ये डायग्राम बने आते हैं एग्जाम पे कई बार और इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो सबसे पहले हमारे पास ये बड़ा सा स्टोन है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारा स्टोन है, हार्ड स्टोन है, तो हम सबसे पहले इस पर क्या करेंगे, एक होल बनाएंगे। होल बनाएंगे इसकी सहायता से, डिपर की सहायता से, ठीक है, और उस होल पे हम क्या कर देंगे, इस जगह पर हम डेटोनेटर्स रख देंगे। ब्लास्टिंग मटेरियल जो हमारा होता है, यहां पर हमने क्या रख दिया, डेटोनेटर्स रख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमने इसको जब यहां से ड्रिल कर लिया डिबर की सहायता से, तो हम इस पे भर देते हैं यहां पर सैंड। क्या भी कर देते हैं, हम यहां पर सैंड फिल कर देते हैं। सबसे नीचे हमने डेटोनेटर्स लगा दिया और इस पे हमने क्या कर दी, सैंड फिल कर दिया, और सैंड को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने किसका, जंपर का यूज कर लिया और टेम्परिंग बार का यूज कर लिया। और इस पे जो मिट्टी थी जब हमने इसको होल बनाया, तो इसकी जो मिट्टी है उसको साफ करने के लिए हमने क्या कर लिया, किसका यूज कर लिया, स्क्रैपिंग स्पून का यूज कर लिया। उसके बाद जब इस पे होल बन गया, इस पे हमने सैंड फिल कर दी और इस पे हम क्या लगा देते हैं, प्राइमिंग नीडल लगा देते हैं, इससे कनेक्ट करके हम कुछ इस तरीके से इस पर प्राइमिंग नीडल लगा देते हैं और उसको बाद स्टोन को यहां पर कॉम्पैक्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्राइमिंग नीडल को निकालकर यहां पर फ्यूल भर देते हैं, इसमें गैप बन जाएगा, यहां पर हम क्या कर देंगे, फ्यूल को भर देंगे और यहां पर लगा देते हैं, हम उस पर फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पर आग लगा देंगे, ये हमारा यहाँ पर ये डेटोनेटर है वो ब्लास्ट हो जाएगा और हमको स्टोन मिल जाएगी आसानी से। तो डिपर का यूज समझ में आ गया, जंपर का यूज भी समझ में आ गया कॉम्पैक्ट करने का, प्राइमिंग नीडल का भी यूज समझ में आ गया, स्क्रैपिंग स्पून का भी और टेम्परिंग बार का भी हमको काम समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कौन कौन से ब्लास्टिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो डेटोनेटर्स का यूज भी किया जाता है और बहुत सारे एक्सप्लोजिव भी यूज किए जाते हैं। डेटोनेटर्स यूज्ड व्हेन डायनामाइट इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, डायनामाइट का यूज जब एक्सप्लोजिव के रूप में किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स कौन कौन से, ब्लास्टिंग पाउडर या इसको हम गन पाउडर कहते हैं, एंड डायनामाइट जो ये कॉमन एक्सप्लोजिव है। बहुत सारे एक्सप्लोजिव हैं जो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, जैसे यदि हम बात करता हूं हमारा ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर, गन पाउडर में क्या क्या चीज होती है, साल्ट पीटर होता है 65%, चारकोल होता है 15% और सल्फर होता है हमारा 20%। डायनामाइट किससे मिलकर बनता है, तो डायनामाइट में हमारा नाइट्रोग्लिसरीन 75% होता है और सैंडी अर्थ एब्जॉर्ब 25% होती है। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लास्टिंग जिलेटिन, ब्लास्टिंग जिलेटिन में हमारा क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन 93% एक्सप्लोजिव, नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोसेल्युलोज भी एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोग्लिसरीन 93% होता है और गन कॉटन होता है हमारा 7%। ये जो गन कॉटन है इस पे क्या होता है, सैचुरेटिंग कॉटन प्लस नाइट्रिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, गन कॉटन, और गन कॉटन कितना होता है इस पे ब्लास्टिंग जिलेटिन में, 7%।
रॉक एंड रॉक भी हमारा एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है, ठीक है। इस पे क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता 79% एंड नाइट्रो बेंजोल होता 21%। नेक्स्ट है हमारा जिलिकनाइट। जिलिकनाइट में यदि हम देखें तो इस पे क्या होता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन होती 65% एंड अब्सॉर्बिंग पाउडर होता है 35%। इसके अलावा भी और भी एक्सप्लोजिव है, जैसे कॉर्डाइट हो गया और लिक्विड ऑक्सीजन हो गई, ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या कहलाता है हमारा, जब हमने क्वेरिंग कर लिया स्टोन की, तो क्वेरिंग के बाद यदि हम इसको प्रॉपर साइज और शेप जब देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम ड्रेसिंग कहते हैं। द स्टोन आफ्टर बीइंग क्वेरिंग आर टू बी कट इनटू सुटेबल साइज विथ सुटेबल सरफेसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रेसिंग। इसका पर्पस क्या होता है ड्रेसिंग करने का स्टोन का, कि हमको डिजायर्ड अपीयरेंस मिले स्टोन वर्क में, है ना। और जब हम इस पर ड्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं स्टोन पे, तो इससे हमको ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और दूसरी चीज, ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं, जो हमने स्टोन्स पढ़े हैं एग्जाम पे आ जाता है, उनका यूजेस पूछ लेता है या उनकी क्वालिटी पूछ लेता है डिफरेंट टाइप के, है ना। तो हम इनको थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोन, स्टोन क्वालिटी और यूज। स्टोन पे हम सबसे पहले देखते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट हार्ड होता है। इसकी क्वालिटी क्या है, ब्लास्ट की हार्ड होता है, टफ होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 3, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, 150 to 185 मेगापास्कल। ये अभी हमने देखा था, है ना। इसका यूज कहां पे करते हैं, बेसाल्ट का। तो बेसाल्ट का यूज करते हैं रोड वर्क में और फाउंडेशन वर्क में, दोनों जगह पे हम बेसाल्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का यूज हम कहां पर करते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है देखते हैं। और बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों के दोनों कैसे हमारे इग्नियस रॉक है। ये भी हमारा ग्रेनाइट भी हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और डिफरेंट कलर में अवेलेबल होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6 से 2.7। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यदि बात करते हैं, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 75 to 127 मेगापास्कल। इसका यूज कहां पर करते हैं, सी वॉल में यूज करते हैं, स्टेप्स बनाने में यूज करते हैं, ब्रिज में अबेटमेंट और पियर बनाने में यूज करते हैं, कॉलम्स बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा चौक। चौक क्या है, प्योर लाइम स्टोन है। ये हमारा कैसा होता है, चौक सॉफ्ट होता है, इजी टू कन्वर्ट पाउडर फॉर्म। ये याद रखना, हमारा चौक आसानी से हमारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज कहां पर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लेजिंग पुट्टी। ग्लेजिंग पुट्टी की मैन्युफैक्चरिंग में हम चौक का यूज करते हैं, और चौक हमारा सेडिमेंटरी रॉक में आता है। नेक्स्ट हमारा कंकर। अब ये हमारा क्या था, प्योर लाइम था चौक। यदि हम इसकी बात करते हैं, तो ये इम्प्योर लाइम होता है। इसी से हमने लाइम पर देखा था, कंकर से हाइड्रोलिक लाइम बनाया था। कंकर इम्प्योर लाइम स्टोन है, और इसका यूज हम कहां पर करते हैं, तो रोड मटेरियल में हम इसका यूज कर सकते हैं, रोड मटेरियल में। नेक्स्ट हमारे पास लाइम स्टोन। लाइम स्टोन हमारा कार्बोनेटेड लाइम होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2 to 2.7, एंड इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी 54 मेगापास्कल। तो लाइम स्टोन का यूज कहां पर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, फ्लोर बनाने में, वॉल बनाने में, ये सारी जगह पे हम लाइम स्टोन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सैंड स्टोन। सैंड स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखनी है 2.65 to 2.95, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 64 मेगापास्कल। इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज भी स्टेप्स बनाने में कर सकते हैं, वॉल्स बनाने में, फ्लोर बनाने में, रूफ बनाने में, इन सारी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी, ये सारी की सारी हमारी कैसी थी, सेडिमेंटरी रॉक थी। नेक्स्ट है हमारी मार्बल। मार्बल हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, और इसका ये जो मार्बल है डिफरेंट कलर में अवेलेबल होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि हम जाने, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 71 मेगापास्कल। मार्बल का यूज ऑर्नामेंटल वर्क में यूज करते हैं, जनरली मार्बल का सब जानते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लेट। स्लेट ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर में पाई जाती है, और सबसे आईएमपी पॉइंट्स इस पर याद रखना, स्लेट में नॉन एब्जॉर्बेंट होती है, है ना, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब जब ये नॉन एब्जॉर्बेंट है, तो इसका यूज कहां पर करेंगे, डीपीसी वर्क के लिए। डीपीसी का काम क्या होता है, वाटर को रोक के रखना, है ना। तो नॉन ऑब्जर्वेंट के रूप में हम स्लेट का यूज करते हैं, एग्जाम में कई बार आया। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.89, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 75 to 207 मेगापास्कल। इसका यूज डीपीसी वर्क में और फ्लोरिंग एंड रूफिंग सारी जगह पर यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आपके स्टोन का टॉपिक फिनिश होता है। स्टोन मेसनरी हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि इस पर स्टोन के आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, और कहीं पर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपका स्टोन पूरा फिनिश हो चुका है। यदि आपको जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो सारा चीज समझ में आया है आपको, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।